74 में गई जब मैंने एडमिशन लिया बीएससी फर्स्ट ईयर में तब से मैंने पीएमटी की तैयारी की 75 में मैंने पीएमटी की परीक्षा दी लेकिन नहीं हो पाया कि जो जुडिशरी में जो ट्रेंड है एक जो, जो ट्रेडिशन है पहले से चला हुआ आ रहा है जिसमें टाइटल दिया जाता है जस्टिस का यहाँ पे लॉर्ड से जो कहते हैं मोर्ड में सर अकॉर्डिंग टू यू आपके ओपिनियन में कि, किस हद तक ये सही है अगर वो हंड्रेड परसेंट रिफ्लेक्ट करता है तो जुडिश्री में वो फोर्टी फाइव टू फिफ्टी परसेंट रिफ्लेक्ट करता है तो वो फिफ्टी परसेंट भी नहीं होना चाहिए हालांकि पेपर में सिस्टम तो बहुत अच्छा है कि कोलिजियम बनी है सिस्टम बना है मेरिट पे एवेलुएट होता है लेकिन जिस तरीके से मेरिट का एवेल्यूशन होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए एक गिव एंड टेक की पॉलिसी चलती है विच शुड बी टोटली हेलो एवरी वन वेलकम बैक इन दिस अनदर एपिसोड ऑफ द डी एन एन यू पॉडकास्ट माई नेम इज माधव सोनी ए के एम एडवर एंड टूडे वी हैव इनवाइटेड अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी फ्रॉम दिस लीगल वर्ल्ड जस्टिस राजेंद्र मेन सर हेलो सर वेलकम ऑन मॉर्निंग मॉर्निंग सर बिफोर वी मिग इन दिस पॉडकास्ट आई वॉन्ट टू जस्ट वन थिंग कि मे बी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेता हूँ जो कि शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए बट फ्लो फ्रॉम अगर मैं पूछ लेता हूँ सो so, काइंड kind... मैं मैं देख लूँगा मैं बता दूँगा ठीक है सर माई वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि जो जुडिशरी में जो ट्रेंड है एक जो ट्रेडिशन है, है पहले से चला हुआ आ रहा है जिसमें टाइटन दिया जाता है जस्टिस का या लॉर्ड से जो कहते हैं कोर्ट में सर अकॉर्डिंग टू यू आपके ओपिनियन में कि किस हद तक ये सही है किस एक्सटेंट तक ये सही है मेरे हिसाब से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ये जो इंग्लिश मैन थे उन लोग ने ये वर्ड इन्वेंट किया था पर हम उसी को फॉलो किए जा रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं हमारे यहाँ सिर्फ सर बोल के भी आप कर सकते हैं लेकिन वकील लोग को बताओ तो भी उसके बाद भी वो नहीं मानते उनको लगता yes. है कि लॉटशिप बोल देंगे तो साहब बहुत खुश हो जाएंगे कुछ हो जाएं। जाएगा आई कैन नेम ऑफ जजेस हु आर हुअर विन दिल्ली हाई कोर्ट फॉर एग्जांपल जस्टिस मुरलीधर हु इज इन दी और हाई कोर्ट ही डजेंट लाइक ही इज ऑलवेज कॉल्ड सर He doesn't even permit lawyers to call him honorable sir. He says or sir only. Likewise you have a sitting judge in the Supreme Court, Justice Ravindra Bhatt, he doesn't like it. Many judges have now started saying please don't. But the problem is the lawyers are not able to get out of that habit and they feel key maybe because of respect or they may get some advantage of addressing a judge like that so it continues but in my personal opinion it is not needed like you address any other senior person by the name sir या जनाब करके भी पटना वगैरह में yes, जनाब करके भी बहस कर तो तो देट इज़ गुड इनफ सर जुडिशरी ने काफ़ी बार ये चीज़ हाईलाइट की हुई है कि इस तरीके की जो टाइटल्स हैं यूज़ ना करें बट स्टिल कई बार ऐसा देखने को मिल सकता है मे भी, भी या फिर मिलता होगा हुँ. कि जुडिशरी ऐसा अ तो ये बोलती है बट शायद uh, हो सकता है कि कुछ इंडिविजुअल लॉर्डशिप्स को पसंद ना आए या फिर नाराज हो जाएंगे सोसाइटी पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज डिफरेंट थिंग्सम सो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है जब तक सेल्फ डिसंस नहीं सब चलता रहेगा सर माई नेक्स्ट क्वेश्चन हार्ड वर्क ड्यूरिंग प्रैक्टिस टाइम बट सर उसके पहले की लाइफ कैसी थी आपकी और हाउ डिड हीन दिस लीगल प्रोफेशन मेरा तो एजुकेशन जो है आई वॉज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट और स्कूलिंग करने के बाद 1974 में मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा थी तो 74 में जब मैंने एडमिशन लिया बीएससी फर्स्ट ईयर में तब से मैंने पीएमटी की तैयारी की 75 में मैंने पीएमटी की परीक्षा दी लेकिन नहीं हो पाया फिर कुछ दोस्त थे तो सबने कहा कि चलो एक साल अपन ड्रॉप लेते हैं और फिर तैयारी करेंगे फिर फिर से पीएमटी देंगे तो सेकेंड ईयर बी में मैंने ड्रॉप लिया परीक्षा नहीं दिया पी का एग्ज़ाम दिया लेकिन उस साल वेटिंग लिस्ट में ग्यारहवा नंबर आया और फिर वो एडमिशन नहीं हो पाया तो बी का एक साल हमारा वेस्ट हुआ फिर मेरे को लगा कि डॉक्टर तो नहीं बन पाए तो उस टाइम माइनिंग इंडस्ट्री एक बूमिंग हो रही थी और मेरे कुछ फ्रेंड्स और कुछ फैमिली के मेंबर्स थे जो माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े थे तो उन्होंने मुझे सलाह दिया कि तुम जियोलॉजी लेके जियोलॉजिस्ट बन जाओ माइनिंग इंडस्ट्री में उसका बहुत प्रोस्पेक्ट है तो मैंने माइनिंग ज्वाइन किया जियोलॉजी ज्वाइन किया बी एस सी में जियोलॉजी किया लेकिन मुझे एम एस सी में एडमिशन नहीं मिला उस वक्त मेरे जो सीनियर थे जो मेरे एक रिलेटिव हैं उन्होंने कहा कि ये इधर उधर भटकने से अच्छा तुम वकालत कर लो मेरे ऑफिस ज्वाइन कर लो सडन चेंज एकदम से आ तो कहिए बहुत टफ डिसीजन हाँ बहुत टफ डिसीजन था।, था लेकिन मुझे लगा कि अब और क्यों वेस्ट करना चार साल हो गए बी करने में तो मैंने इवनिंग क्लासेस जॉइन किया लॉ का और मुझे ढाई सौ में मेरे सीनियर ने अपने ऑफिस में लॉ क्लर्क बना के रखा और मैं सुबेरे उनके कोर्ट जाता था फाइलिंग करता था जो हमारे सीनियर मुंशी थे उनके साथ काम करता था शाम को ऑफिस में आके टाइपिंग करता था तो जूनियर जो सिविल कोर्ट के जवाब दावे थे ये सब थे वो टाइपिंग करता था फाइलिंग करता था तो तीन साल मैं क्लर्क का, का काम करता रहा मुझे ढाई सौ रुपये से चालू हुआ और जब मैं वक़ालत पे आया तो उस टाइम मुझे साढ़े सात सौ रुपये तनख्वाह मिलती थी और उसके बाद मैं सीनियर के ऑफिस को ज्वाइन किया सर आपने पी की कोशिश की आफ्टर बी तो ये आइडिया आपको उसके बाद ही आया था डॉक्टर बनने का नहीं वो तो हमने नाइन्थ ही में आ गया था क्योंकि नाइन्थ में हमको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता था बायोसाइंस या मैथ्स या आर्ट्स करके तो उसी टाइम था कि डॉक्टर बनेंगे तो बॉटनी में और केमिस्ट्री सेलेक्ट किया था लेकिन नहीं हो पाया <laughs> सर आपकी स्कूलिंग एंड कॉलेजेस वगैरह कहाँ से था मेरी स्कूलिंग हुई है क्राइस्ट चर्च बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर से और कॉलेज बीएससी मैंने किया गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जबलपुर से और लॉ किया एन लॉ कॉलेज से तो उस टाइम जबलपुर में तीन ही लॉ फैकल्टीज़ थे एक तो एन लॉ कॉलेज था और हितकनी लॉ कॉलेज था जहाँ पर सिर्फ इवनिंग क्लासेस होते थे और एक लॉ फैकल्टी थी यूनिवर्सिटी की वहाँ मॉर्निंग क्लासेज होते थे सुबह आठ बजे से ग्यारह बजे तक मैंने ये इवनिंग क्लासेस प्रोफर किया कि दिन में अपना कुछ काम कर लूँगा सर आई थिंक आप नेटिवली जबलपुर से नहीं है तो नहीं मैं मूल निवासी केरल का हूँ लेकिन मेरे फादर 1945 में माइग्रेट कर गए थे जबलपुर तो इसीलिए इन जबलपुर होंगी सर आफ्टर पर्सिंग लॉ जो आपने बताया कि क्लर्क से लेके जो जर्नी स्टार्ट हुई थी तो सर व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस ड्यूरिंग दिस पीरियड और इचिली वे वो जो नॉर्मल जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को जो लीगल प्रोफेशन में आने में जो डिफ़िकल्टीज होती है वो डिफ़िकल्टीज मुझे नहीं आए क्योंकि मेरे एक सपोर्ट था मेरे जो सीनियर थे वो मेरे रिलेटिव थे और मुझे मेरा काम देख के जो मेरी मेहनत किया एज ए क्लर्क उनको बहुत अच्छा लगा तो डे वन से ही मुझे ब्रीफ्स के लिए कहीं नहीं जाना पड़ा ब्रीफ्स ऑफिस में रहता था वो बता देते थे, थे कि आज किस लेबर कोर्ट में जाके काम करो आज सिविल कोर्ट में ये काम करो तो पहले तीन से साढ़े तीन साल तक मैंने हाई कोर्ट के दरवाजे में कभी नहीं गया मैं लोअर कोर्ट्स में ही काम करता रहा वहाँ पे मैंने छोटे छोटे गवाही कैसे कराना क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करना जवाब दावा कैसे बनाना प्रोसीडिंग्स जो होती है सिविल कोर्ट की वो सब सीखा वहाँ पे और मेरा जो पहला अपियरेंस हुआ हाई कोर्ट में वो जस्टिस जे एस वर्मा साहब के सामने हुआ था मेरे प्रोफेशन में आने के ढाई साल के बाद सर अगर अभी किसी को प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो किस कोर्ट में जाना चाहिए लोअर कोर्ट से करनी है मेरे हिसाब से तो जो वकील लोअर कोर्ट में नहीं गया है और प्रैक्टिस नहीं किया है वो कभी भी सक्सेसफुल वकील नहीं हो सकता आज के बच्चे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ जब अपील बहस करते हैं है ना जो अपील आती है लोअर कोर्ट से अपील आती है जब उसको बहस करते तो लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड देख के उनको इतना अंदाज़ नहीं होता कि वहाँ क्या प्रोसीडिंग्स हुआ होगा क्या पॉइंट बहस करना है गवाहों के बयान पढ़ते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़ते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता कि क्रॉस एग्जामिनेशन में कौन सा चीज छूट गया है क्या एडमिशन हुआ है कैसे है डॉक्यूमेंट का एग्जिबिट प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है कई बार आप देखेंगे जैसे आप सेकेंड अपील बहस करते हैं हाई कोर्ट में तो पार्टीशन का मामला है विल के बेसिस पे केस है तो विल को तो कोर्ट एग्जिबिट करके मार्क कर देता है लेकिन वो एग्जिबिट एविडेंस एक्ट के हिसाब से विल प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ उसकी नॉलेज नहीं रहती बच्चों को क्योंकि उन्होंने ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं किया है उन्होंने कभी देखा नहीं है कि विल को कैसे प्रूव किया जाता है क्या पढ़ना चाहिए विल जिस जो विटनेस विल के डॉक्यूमेंट के सपोर्ट में आ रहा है उससे क्या पूछना चाहिए वो नहीं आती तो ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस ना करने के कारण उनको कई चीज़ों में अंदाज नहीं होता क्या होता है। जैसे कई लोग मेरे सामने हाई कोर्ट में क्रिमिनल केस बहस कर लेते थे लेकिन एफआईआर को पढ़ते ही नहीं थे जब आप क्रिमिनल केस बहस करते हो तो क्रिमिनल केस का स्टार्टिंग पॉइंट इज़ एफ आई जो है वो माना जाता है कानून में कि एफ है जो एक्चुअल स्टोरी बताई गई है तो लोग तो एफ बिना पढ़े पहुँच जाते हैं बहस करने तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें आप तब सीखोगे जब आप ट्रायल कोर्ट में ट्रायल करते हो क्योंकि ट्रायल कोर्ट में जब तो क्रिमिनल ट्रायल चालू होता है तो सबसे पहले एफआईआर के ऊपर से चालू होता मॉल सर एक्चुअली आई थिंक कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पे पी उतनी नहीं मिल पाती है लेकिन सब सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप आप लॉ एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है माँ बाप बच्चे को 40-50 लाख रुपए करके पाँच साल पढ़ाते हैं तो उसके बाद उनको लगता है कि अपने पैर पे खड़े हो जाए और कमाए लेकिन वो नहीं होता है तो दिल्ली बॉम्बे में चले जाते हैं बड़े ऑफिस में ज्वाइन कर लेते हैं चालीस पचास हज़ार रुपये मिलता है तो वहाँ करते लेकिन जो बेसिक फाउंडेशंस होती हैं वो नहीं रहता है तो इसलिए डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में जो लिटिगेंट को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता अच्छा दूसरी बात यह है कि अब क्योंकि इतना पैसा खर्च करते तो पैसे कमाने के लिए बच्चे बाहर चले जाते हैं और आज हमारी सरकार कहती है कि जस्टिस एट डोर स्टेप जस्टिस एट डोर स्टेप का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के तहसील और ताल्लुक में आप डिस्ट्रिक्ट जजेस के कोर्ट्स खोल रहे हैं ए अब वहाँ का बेचारा कोई मुवक्ल अगर कोई आदमी है जिसने कोई ऑफेंस किया जिसके खिलाफ तीन सौ का मुकदमा चल रहा है अब उसको उस लेवल पर प्रॉपर वकील नहीं मिलता जो उसको डिफेंड करेगा उसको या तो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर आना पड़ता है या जहाँ हाईकोर्ट है वहाँ के वकील को ले जाना पड़ता है तो महंगा पड़ता है उसको तो जो ग्रास रूट लेवल पे जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी दोनों में एडवर्स इफेक्ट होता है तो इस और हमें ध्यान देना चाहिए council, bar council, bar council और पर्टिकुलरली बार काउंसिल स्टेट बार काउंसिल बार काउंसिल ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट्स को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को ये सपोर्ट देना चाहिए कि बच्चा जब कॉलेज से पास होकर निकलता है और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसको कोई इंसेंटिव दे और मेरे हिसाब से बार काउंसिल स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको अच्छे से निभा सकते हैं विथ फाइनेंशियल एड फ्रॉम दी गवर्नमेंट सर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फर्स्ट जनरेशन लॉयर है और उसे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी सो so, उसके पास यूजवली दो ऑप्शन रहते हैं किसी बड़ी सिटी में मूव ऑन कर जाए या फिर जो लोकल सिटी है आस पास नहीं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जैसे कि आपने बताया कि आपकी प्रैक्टिस जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करिए बट सर ऑन दी अदर साइड आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाते हैं अगर तो वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं मल्टीपल कोर्ट होते हैं वहाँ पे आप साइमल्टेनियसली दोनों ही तरह के कोर्ट से जो हायर कोर्ट्स हैं जो लोअर कोर्ट्स हैं दोनों तरीके से काफ़ी ट्रिब्यूनल्स भी होती हैं सो आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं बट सर आपके ओपिनियन में ये कम्प्लीटली जो हायर कोर्ट से स्टार्टिंग में उनको अवॉइड कर देना चाहिए या फिर साइमल्टेनियसली जो कर रहे हैं हम वो एक अच्छा आइडिया हो सकता है नहीं हमको दोनों में बैलेंस करना चाहिए हमें कुछ ऐसे कैटेगरी ऐसे है कि सारे बच्चे बड़ी सिटीज में नहीं जाना चाहते कई बच्चे हैं जो कि अपने स्टेट में ही रहना चाहते हैं हाई कोर्ट लेवल पे रहना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहना चाहते हैं लेकिन मजबूरअवश उनको काम नहीं मिल रहा है तो वो माइग्रेट करते तो काम तो वहाँ पे भी मौजूद है गांव में भी काम मौजूद है गांव में भी डिस्प्यूट्स होते हैं लैंड के डिस्प्यूट होते हैं क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं तो वहां पे भी गवर्नमेंट और बार काउंसिल के सपोर्ट से वहां के लोग को वहां रहने को प्रोत्साहन करना चाहिए और उनको कोई इंसेंटिव दे दीजिए आप कि यहाँ आप दो साल जब करिए दो साल आपको हर महीने हम इतना स्टाइपेंट देंगे आप अपने घर से यहाँ प्रैक्टिस करिए ये चीज़ हो सकती है इट कैन बी वर्कड आउट मॉडर्निटीज आप कर सकते हैं लेकिन इसकी तरफ किसी ने पहल नहीं किया आज तक अब आप सोचिए कि मंडला के रिमोट एरिया में कोई आदिवासी आदिवासियों में तो झगड़ा हो जाता है और वो आगे पीछे कुछ रिज़ सोचता मार देता है और मारने के बाद आदिवासी सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाके अपना जरूर कबूल कर देता है और उसने जुर्म कबूल कर दिया लेकिन वो हार्ड एंड क्रिमिनल नहीं है कौन से सरकमस्टांसिस ने उसमें जुर्म किया क्यों जुर्म हुआ उससे उसको देखते हुए उसके केस को अगर प्रॉपरली कोर्ट में पेश कर दिया जाए तो उसको सजा में कमी हो सकती है उसको फांसी की सज़ा नहीं होगी लाइफ एम्प्रजनमेंट नहीं होगा लेकिन उसके केस को उस तरीके से वहाँ पेश करने वाला कोई नहीं आज ये ये सब प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज है तो इसलिए मेरा मानना ये है कि हमारे देश में डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में बहुत डिस्पैरिटी है जो जस्टिस एक ट्राइबल को मंडला या बिहार यूपी के कोई रिमोट विलेज में मिलता है और जो हमको दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता के लिटिगेंट को मिलता है उसमें बहुत फ़र्क है कोर्ट के बिल्डिंग में चले जाइए वहाँ बैठने से ले जज से लेके वकील तक की जो क्वालिटी है उसमें फ़र्क है और आप रिमोट हमारे तहसील कोर्ट्स में चले जाइए तो लेडीज़ आएँगे तो उनको बहुत अब तो काफ़ी अच्छा हो गया लेकिन वहाँ प्रॉपरली बैठने की जगह नहीं बच्चों को लेके आएंगे तो बच्चों को रखने की जगह नहीं अब तो हाई कोर्ट ने कई सिस्टम की है कई लेकिन फिर भी बहुत कुछ करना है मैं जब पटना में था तो मुझे नॉलेज है कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स से जहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं थी तो लोग मेरे से पूछते हैं कि कोर्ट में बाउंड्री वॉल की क्या जरूरत है लेकिन कई हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केस चलते हैं पॉलिटिशियन के जब वो कोर्ट आते हैं उनके साथ हज़ारों लोग की जलूस आती है कोर्ट में तो जज बेचारा वो भीड़ देख के उसको लगता है कि ये क्या है उसके नेचुरली ह्यूमन बींग मन में हो घबराहटोगे अब हमारे पास एक दीवार और गेट नहीं है उसको लॉक करके बंद करने का तो ये पोजिशन थी अब धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है लेकिन अभी भी बहुत चेंज होना चाहिए हालांकि गवर्नमेंट अब जुडिशरी को काफ़ी बजट देती है लेकिन वो बजट को हम किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राउंड लेवल पे और हायर लेवल पर हो ये देखना जरूरी है सर सर सोसाइटी में एक मिसकशन था पहले से और अभी भी है थोड़ा थोड़ा कि जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो लॉ कर लेते हैं so, सो इस सिचुएशन को आपने कैसे टैकल किया था आपके टाइम पर था लोग लो, सोचते थे कि वकील बन गए हमारे साथ वाले डॉक्टर बन गए उस टाइम क्या था कि इतना सोशल मीडिया का प्रभाव नहीं था ये नहीं था तो एक छोटे से सर्कल में ही उसका प्रभाव रहता था लेकिन आजकल ज़्यादा होता है तो लोगों को ज़्यादा बुरा लगता है लेकिन मेरा मानना ये है कि इस सब को इग्नोर करके आप अपना मेहनत करिए और जैसे मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है उस टाइम मुझे थोड़ा सा बुरा लगा ये हुआ लेकिन आज मैं जब इस स्थिति में पहुँचता तो और मेरे साथ जो डॉक्टर बने वो बोलते अरे भाई तुम कहाँ पहुंच गए हम लोग तो यही हैं तो ये एक फीलिंग आगे चल के आती है तो एक स्टेज आता है जब आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा दैन व्हेन यू लुक बैक यू फील कि हाँ ठीक है भगवान ने हमारे साथ न्याय किया सर so, इस प्रोफेशन में आई थिंक ग्राफ जो है सडनली एकदम सडनली होता है और एक बार राइज होता था फिर उसको कोई रोक नहीं सकता सर ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस टाइम कुछ ऐसे केस होंगे जो आपके हार्ट के बहुत क्लोज होंगे या अनफोर्चुटेबल होंगे तो सर उनके बारे में कुछ बताइए केसेस तो कुछ याद आ रहे हैं सर केसेज हाँ हाई हाँ, कोर्ट्स में होते थे कुछ केसेस थी एक केस यहीं जबलपुर में था एक लड़के ने केस फाइल किया था 226 में हैबियस कॉर्पस का उसका कहना था कि मैंने दूसरे कम्युनिटी के एक लड़की के साथ शादी किया है और उसके माँ बाप मेरे साथ रहने नहीं दे रहे हैं और उसको बुलाइए और मेरे मेरे हवाले करिए तो हमने लड़की को नोटिस भेजा लड़की आई उसके मदर फ़ादर थे तो जब मैंने वहाँ पे दोनों को सुना तो पता लगा कि दोनों के क्लास में बहुत डिस्पैरिटी है लड़का जो है वो थोड़ा सा लोअर तजबे का था नौकरी वगैरह में नहीं थी और लड़की जो थी एक वेल टू टू फैमिली के फादर वगैरह की अच्छी पोजीशन थी उसके अलावा ये इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगती लड़के की जो बैकग्राउंड हिस्ट्री दिखी उसके पुलिस रिपोर्ट से तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सा लगा और जब लड़की को देखा तो वो ठीक दिख रही थी अठारह साल की तो मेरे साथ एक लेडी जज थी तो मैंने उन सबको ना ये लड़के का बैकग्राउंड देखने के बाद मन नहीं होता कि उस लड़की को इसके साथ भेज दे लेकिन लड़की यहाँ पे बोल रही है कि मैं जाना चाहती हूँ तो इसको कैसे रोका जाए करके तो पता नहीं वहाँ पे मेरे को मन में आया कि अभी कुछ मत करो तो मैंने सरकारी वकील साहब से बोला कि अगर ऐसा कोई केस आता है जिसमें कोर्ट के मन में ये फीलिंग होती है कि इस केस में लड़की को इनके साथ नहीं भेजा सकता तो कोर्ट को एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि वो कोई ऐसा स्टेप ले कि लड़की को कहीं और भेजें उनका काउंसलिंग कराएं और उनको मौका दें फिर से सोचने का और उसके बाद ये हो और ऐसा कुछ जजमेंट मेरे को दिखाइए ये करिए वो करिए तो ये सब बातें मैंने इंग्लिश में कही और उसके बाद मैंने लड़की से और उनके पेरेंट्स से और लड़के से बोला कि आप लोग नीचे रजिस्ट्री में जाइए और वहाँ पे एक लेडी जस्ट थी हमारी डेपुटेशन पे वो बहुत अच्छी मीडिएटर और काउंसलर थी और मैंने उनको बुला के बोला कि आप एक दो घंटे का टाइम है अभी एक बजा है साढ़े तीन चार बजे तक आप इन लोग से बात करिए अलग अलग से काउंसिलिंग करिए इन लोग पर उसके बाद केस मेरे सामने साढ़े चार बजे पेश किया जाए करके तो उसके बाद केस जब साढ़े चार बजे आया तो वो लड़की पहले तो कवर्ड थी उसने अपना चेहरा खोला और मैंने पूछा कि बेटा क्या चाहते हो तो उसने बोला सर मैं नहीं जाना चाहती हूँ उसके साथ तो मैंने बोला क्यों तो बोला कि सर आया मैं फोर्स ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर I could understand each and every word you spoke in the morning for about 15-20 minutes. And then when I sat with madam for counselling and talked to her, and many things came to my knowledge, which I was not aware. And, and now I've seen that my future in the hands of this boy would not be sure and I would like to be with my parents only. So I felt that the dispensation of justice is a power that you this, सर आपके इंग्लिश में बोलने के टीचर आई थिंक यही रीजन रीज़न था मैं इंग्लिश में इसलिए बोला था कि मुझे ये लगा कि ये दोनों इंग्लिश नहीं जानते हैं मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो इनको लगेगा मेरे मन में क्या चल रहा है वो नहीं हो पाएगा और लड़की गाँव की थी तो मुझे लगा इसको इंग्लिश नहीं आती होगी लड़के को तो ऑब्वियसली नहीं आता था तो मैंने इंग्लिश में वहाँ वकीलों से बात किया तो मुझे लगा इनको नहीं पता लगा लेकिन वो लड़की सब समझ गई वो लिटरेचर में ग्रेजुएट थी पोस्ट ग्रेजुएट थी तो वो एक अच्छा उस दिन ऐसा लगा कि शायद मैंने न्याय किया बट कुछ जुआ करके इस... सर ऐसा कोई केस जिसमें आपको जजमेंट देने के बाद ऐसा लगा कि थोड़ा सा मुझे रेगरेट हो रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए नहीं ऐसा तो... आ... बट एज़ पर लॉ करना पड़ा आपको ऐसा कभी नहीं हुआ है तो वैसे केस में भी मैंने वेज एंड मीन्स निकाले जस्टिस करने का और उसके लिए मुझे जो प्रेरणा मिली वो मुझे जस्टिस आर वी रविंद्रन से मिली जो उस टाइम चीफ जस्टिस की टाइम तक मेरे चीफ जस्टिस थे जस्टिस रविंद्रन का कहना ये था कि एज ए जज You don't sit एंड लुक बैक यानी आप कुर्सी पे बैठ गए पर आपके सामने कोई केस आया और आपने कहा कह रहे भाई कानून में तो ये हो नहीं सकता है तो हम कुछ नहीं कर सकते तो आप जो हो रहा है उसको वैसा होने दो और आप चुपचाप बैठ गए दैट इज़ यू सिट बैक एंड लुक एंड फील हेल्पलेस उनका कहने है कि नहीं आप कानून को देखो तो उसमें आपको डिस्क्रिशनरी पावर इनहेरेंट पावर कई चीज़ें मिलेंगी तो उसका यूज़ करते हुए आपको ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे कि इसमें न्याय मिल सके तो मैंने हर वक्त उस फार्मूला का उपयोग किया केस को बढ़ाता रहा लेकिन डिसाइड नहीं किया और लोगों को काउंसलिंग आया उनसे बात किया कोशिश किया और भगवान की दया से हर बार वही हुआ जो मैं चाहता था उस टाइप तो इसी ने मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई केस करने के बाद बल्कि कई केस करने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई कई केसों को करने के लिए एक और बड़ा अजीब एग्जाम्पल है मैं जब पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का शाम को एक दिन वॉकिंग कर रहा था तो दिल्ली के कुछ वकीलों ने हमें फ़ोन किया उन्होंने बोला कि सर हम लोग दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और हम लोग के साथ में एक लड़की है जो एनएनयू से पास हुई है और उसका एक लड़के के साथ अच्छा मेल मिलाप हो गया है वो दोनों शादी करना चाहते हैं लेकिन आपके पटना से पुलिस वाले आके वो लड़की को उठा के ले गए हैं और हमें ये खबर है कि वो लड़की पिछले 20 दिन से अपने घर में कैद है और उसके साथ अत्याचार हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लड़की के पिताजी जो हैं वो आपके अंडर में डिस्ट्रिक्ट जज है फलाना जिलेफे तो आप इसको देखिए तो मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग रजिस्ट्रार जनरल को बुलाया उनसे बोला कि पता करो और पटना के कमिश्नर से बोला कि आप एक पुलिस फोर्स भेज के उस घर में जाके क्या स्थिति है वो बता पता करके आइए तो उन्होंने भेजा और शाम को मेरे पास रिपोर्ट आई कि हाँ लड़की वहाँ कैद है उससे जब हमारे पुलिस वालों ने बात की लेडी पुलिस ने बात किया तो वो बड़ी डिस्टर्ब दिख रही थी और उसके बॉडी पर कहीं कहीं चोट के निशान भी थे तो वो मैसेज जब मेरे को मिला तो सुबेरे ही मैंने लड़की को और पेरेंट्स को समन किया चैम्बर में हमने हियरिंग किया उसको हैवियस कॉर्पस पिटिशन मान के लड़की से पूछा तो लड़की ने बोला कि नहीं मैं इसके साथ जाके शादी करना चाहती हूँ और ये है वो है और उसने अपने चोट के निशान वगैरह सब दिखाए फिर भी मुझे लगा कि पेरेंट्स बहुत हिस्टरिक हो गए तो उसकी माँ चिल्लाने लगी रोने लगी कि मैं अपनी लड़की को इनके साथ भेजना नहीं चाहती हूँ ऐसा वैसा तो मुझे लगा कि पेरेंट्स के साथ भी न्याय होना चाहिए तो मैंने लड़की को वहाँ के जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है अचानक्य वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल में एक महीना रहने के लिए बोला और पेरेंट्स को ये परमिशन दिया कि आप रोज़ अपनी लड़की से वहाँ जा मिल सकते हो और लड़की से बोला कि बेटा इनके साथ तुम बात करना माँ बाप हैं तुम्हारे जो बोलते हैं सुनना और एक लेडी एडवोकेट को भी उसके लिए अपॉइंट किया है आई के और उनसे बोला आप रोज़ इस लड़की से मिलिए और इसको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइए और लड़के को भी परमिशन दिया कि हफ़्ते में एक दिन आके तुम लड़की से मिल सकते हो और फिर एक महीने बाद जब मैंने केस फिर से लिया तो लड़की उस वक्त भी बोली कि मैं पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती हूँ और मैं अपने इनके साथ शादी करके रहना चाहती हूँ उसके बाद मैंने एक काउंसलर को अपॉइंट किया था जिन्होंने काउंसलिंग करके बताया तो उनका रिपोर्ट यह था कि लड़की वाकई उनके साथ जाना चाहती है और उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है तो फिर हमने ऑर्डर किया कि लड़की को दिल्ली जाने दिया उसके साथ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को ये दिया कि भाई फ़ादर कोई अपना पावर मिस करके पहले जैसे पुलिस करना बोला उनको वहाँ करें और करके मैंने भूल गया उसके बाद जब मैं दिल्ली गया तो वो लड़की और लड़का मुझसे मिलने आए बोले कि सर आपने हमारी ज़िंदगी बताई और उनके साथ उनके दोनों के पेरेंट्स आए मेरे पास लड़की के भी फादर मदर थे लड़के के भी फादर मदर थे वो बोली के आज तो हम लोग बहुत खुश हैं लड़की के फादर ने बोला कि मुझे कुछ गलत फहमियाँ थी उस टाइम हो गई थी लड़की के प्यार में लेकिन आपने वैसा किया तो आज हमारा परिवार से किए तो ऐसे कुछ हो जाते हैं कई चीज़ें ऐसे कई किस्से हैं जिसमें लोगों को खुशी होती है तो वो अच्छा लगता है कि चलो हमने कुछ अच्छा किया है पर सर सर आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन एम पी हाई कोर्ट वन यू गॉट ऑफर लेटर फ्रॉम हाई कोर्ट की आप जज पॉइंट होने वाले हैं हाईकोर्ट पर सर क्या मोटिवेशन था आपको ज्वाइन करने का क्योंकि आई एम श्योर आप उस टाइम पर बहुत अच्छी एक इनकॉबरेट कर रहे होंगे से so, सर सर मोटिवेशन क्या था मोटिवेशन यही था कि जो नीडी लोग हैं उनको न्याय मिले जस्टिस मिले और जब मैं वकालत भी करता था तब भी मैं बहुत प्रोबोनो काम करता था जस्ट सॉरी जस्टिस दीपक मिश्रा हमारे यहाँ पे जज थे तो उनके सामने बहुत केसेस आते थे जिसमें लोगों के पास वकील नहीं थे या जो वकील था वो जूनियर था वो केस प्रॉपरली नहीं बता सकता था तो दीपक मिश्रा जी ने एक लिस्ट ऑफ जूनियर एडवोकेट्स बनाए हुए थे जो कि प्रो बोनो हम लोग उनको हेल्प करते थे तो उसमें से कई लोग आज हम लोग जज बन के बैठे हैं मैं हूँ जस्टिस अनूरादे हैं जस्टिस आर एस झा हैं जस्टिस अजीत सिंह हैं है ना कई लोग हैं ऐसे जो उस में थे तो वो हम लोग को बुला के बोलते थे कि इनका केस तुम करो हम लोग उनका केस करते थे तो वो सब करते करते हम लोग को एक मोटिवेशन हुआ कि हम वकालत सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करते समाज को कुछ देने के लिए करते हैं ज़रूरतमंद को कुछ देना चाहिए और वो चीज़ हम वहाँ भी कर सकते हैं यहाँ आके और अच्छे से कर सकते हैं तो जो मैंने अपने सीनियर से मेरे जजेस से जो सीखा वही चीज़ इधर आके मैंने भी देने देने लगा और मुझे लगा कि चलो यहाँ काम करने का मौका मिलेगा करेंगे सर काफ़ी एडवोकेट्स को मैंने देखा हुआ जैसे है जैसे आपने बताया कि आपने बहुत प्रो वोनो काम किया हुआ है so, सो वो जो लोअर क्लास होती है फाइनेंशियली जो थोड़े से वीक होते हैं उनको तो प्रो वोनो देते हैं और जो एक इकोनॉमिकल अच्छे हैं बैकग्राउंड में उनसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं दैट इज़ गुड बट समाउ इस पर बीच में जो मिडिल क्लास होता है अगर उसके जुडिशरी से अगर या फिर कभी कोर्ट के जो चक्कर रहते हैं अगर उसमें पढ़ते तो वो बहुत ज़्यादा पिस जाता है तो उनके लिए भी किस तरीके से हम असिस्ट कर सकते हैं उनके लिए तो सिस्टम तो है निगेलीट का है ना लेकिन लीगल एड का सिस्टम कई सालों से हम देख रहे हैं कि लीगल एड में जो क्वालिटी ऑफ एडवोकेट्स आते हैं वो उस स्टैंडर्ड के नहीं हैं जितना मिलना चाहिए लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी एक नया पैनल बना दिया उसमें भी चेंजेस किया और मुझे उम्मीद है कि अभी जो नया सिस्टम चालू हो रहा उससे लीगल एड के जो काउंसिल्स होंगे वो अच्छे मिलेंगे और ये जो क्लास है जो सफ़र कर रहा है उनको अब लीगल एड के काउंसिल जो है अच्छा मिलेंगे हम सीख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस और उनकी टीम इनके काफ़ी बदलाव कर रहा है और ये जो वर्चुअल हियरिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस से हियरिंग चालू हुई इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको अब आप तहसील एरिया में हो डिस्ट्रिक्ट लेवल हैडक्वाटर पे हो आपको पहले हाई कोर्ट से वकील को लेके आपको जाना पड़ता था लेकिन अब वर्चुअल हयरिंग होता है तो वकील साहब के वहाँ जाइए और वर्चुअल हयरिंग में उनसे पार्टिसिपेट कराइए आपका जो खर्चा होता है वो सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट कम हो जाता है तो वकील को भी ज़्यादा वो नहीं लगता वो बोल देता कि तीन बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस में कर करूँगा वो दिन भर अपना हाई कोर्ट का काम करता उनको नहीं लगता तो उनको फाइनेंशियल लॉस नहीं होती तो वो होता तो वर्चुअल एयरिंग जो हो रहा है मेरे हिसाब से इसको और बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि इसमें ग्रास रूट लेवल पे जिनको अच्छी क्वालिटी जजमेंट चाहिए वो मिलेगी पहले हमको दिल्ली से एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट को लाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता था प्लेन में उनका पैसा दो आना जाना और उनका एक दिन का जो दिल्ली में लॉस होता वो भी हमको कॉम्पनसेट करना पड़ता लेकिन आज वो वर्चुअली वहाँ से अपियर हो जाते हैं तो उनको भी नहीं लगता वो भी जो काम करते हैं पहले से अब बहुत फिफ्टी परसेंट से कम फीस में वो कर लेते हैं तो ये वर्चुअल हयरिंग और जो हमारे लीगल सिस्टम में बदलाव आ रहे हैं उससे भी फ़र्क पड़ेगा और जो लाइव टेलीकास्ट होता है उसमें वो वकील देख पाएगा कि मेरा वकील एक्चुअली कोर्ट में क्या कर रहा है है ना वो होने से तो वो भी अच्छा हो जाएगा कम से कम वकील में भी एक ये हो जाएगी कि मेरा क्लाइंट देख रहा होगा तो मुझे भी अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करनी होगी केस की तैयारी ठीक करनी होगी नहीं तो मेरी वकालत बैठ जाएगी तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं जो चालू हुआ है अभी इन्फेंट स्टेज पे है मेरी यही उम्मीद है कि ये आगे चल के सिस्टम में काफ़ी बदलाव लेके आएंगे सर एज अ लॉ स्टूडेंट आई नो हाउ जजेज आर अपॉइंटेड बट जैसा कि मैंने आपको पहले ये बताया था कि थ्रू दिस पॉडकास्ट सीरीज़ हमारा ये अटैम्प्ट है कि इंडियन सोसाइटी को उनके लीगल सिस्टम के बारे में बताए no. तो सर कैन यू प्लीज टेल अस हाउ जजेस आर एक्चुअली अपॉइंटेड इन दिस कंट्री देखिए जजेस के अपॉइंटमेंट का सिस्टम जो पेपर पे है बहुत अच्छा है लेकिन एक्चुअल ग्रास ग्राउंड लेवल पे कैसा होता है उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा कमेंट करना उचित नहीं है लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वाले हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स और जो गवर्नमेंट है और एक सिविल सोसाइटी के कुछ जिम्मेदार लोग हैं इन तीनों को मिल इस सिस्टम में कुछ बदलाव अभी भी लाना ज़रूरी है और वो ज़रूरी इसलिए है कि हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ह्यूमन टेंडेंसीज होती है उसमें एक भाई भतंजेवाद अभी भी रहता है तो मैं कहीं ना कहीं इसमें रिफ्लेक्ट करता मे बी बाक़ी सिस्टम में अगर वो 100 परसेंट रिफ्लेक्ट करता है तो जुडिशरी में वो 45 फाइव टू फिफ्टी परसेंट रिफ्लेक्ट करता है तो वो 50 परसेंट भी नहीं होना चाहिए हालांकि पेपर में सिस्टम तो बहुत अच्छा है कि कोनीजियम बनी है सिस्टम बना है मेरिट पे एवेलुएट होता है लेकिन जिस तरीके से मेरिट का वेल्यूशन होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए एक गिव एंड टेक की पॉलिसी चलती है विच शुड बी टोटली डन विथ सर जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आई थिंक नीडेड हैं हाँ तो सर अकॉर्डिंग टू यू क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं उसमें पॉसिबल उसमें पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पार्टिसिपेशन ऑफ बार और पार्टिसिपेशन ऑफ सर्टेन सीनियर एडवोकेट्स एंड एक सिविल सोसाइटी में कुछ जिम्मेदार लोग होते हैं उनका पार्टिसिपेशन और ओपिनियन लेना चाहिए सर दैट इज़ एन जे सी एक्ट एन जे सी एक्ट समथिंग लाइक एन जे सी मे बी एन जे सी में कुछ चीज़ें थी जो कि ठीक नहीं था लेकिन एन जे सी जैसा कुछ बॉडी होना चाहिए सर लेकिन अगर गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन रहेगा अपॉइंटमेंट में तो समवेयर जो तीनों ऑर्गन्स हैं इंडिपेंडेंट है एक से <laughs> तो सर दोनों कहीं ना कहीं क्लैश करेंगे फिर उन दोनों के बीच में वापस से टसल स्टार्ट हो जाएगा हाँ आप अच्छे आदमी को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए आप जब पोलिजियम सिस्टम नहीं आया था उसके पहले कौन अपॉइंट करता था चीफ जस्टिस और गवर्नमेंट मिल करते थे तो आप हम आपको कम से कम सौ जजों के नाम गिनवा देंगे कि जो उस सिस्टम में अपॉइंट हुए थे तो और जो, जो कि हमारे यहाँ के लेजेंडरी जजेस माने जाते तो वो सिस्टम में तब हो सकता था तो आप क्यों नहीं हो सकता हम हमारी सोच को थोड़ा बढ़ा देंगे हम प्रेफरेंस देंगे लेकिन प्रेफरेंस हम उसी आदमी को देंगे जो काबिल है तो ये सिस्टम होगा हमारे को बेसिकली जो है हमें हमारे मॉरल वैल्यूज़ को और थिंकिंग को ऊपर उठाना पड़ेगा हमारे मॉरल वैल्यूज़ थोड़े कम हो गए हैं इसीलिए ये सब चीज़ें उठ रही है तो मैं यंगर जनरेशन को यही जाके बोलता हूँ कि अपने मॉरल वैल्यूज़ को तुम और ऊपर उठाओ और जो तुम्हारे जनरेशन के पहले लोगों का जो मॉरल वैल्यूज़ था उससे अच्छा बनाओ स्ट्रगल करो स्ट्रगल करोगे तो मॉरल वैल्यूज़ तुम्हारे अपने आप बढ़ेंगे तुमको जब तकलीफ़ें लोगों की महसूस होगी खुद तकलीफ़ उठाओगे तो तुम और अच्छा लोहे को जितना ज़्यादा गर्म करते हो तब तो तेज होता ना वैसे ही होता है लेकिन सब चीज़ तुमको प्लेटर पे मिल जाए जब तुम एक अच्छी डर है सर ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है पूरी इसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं होती कि, कि किसी अगर पर्सन कैंडिडेट को हम अपॉइंट कर रहे हैं और किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे की प्रॉपर रीजन कोई नहीं दी जाती है तो ऐसा है क्यों इसके पहलू दोनों तरफ है अच्छा भी है बुरा भी है अब हम किसी को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं है ना अब उसको हमने डिस्कार्ड कर लिया है लेकिन वो वकालत कर रहा है या हो सकता है हाईकोर्ट का जज है किसी कारण वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गया हाई कोर्ट में अच्छा काम कर रहा है लेकिन हम कुछ रीज़न लिख देंगे तो उनका वर्किंग इन रेपूटेशन एज ए हाई जज और एज ए लॉयर कम हो जाती है तो उसको वो करें तो ट्रांसपेरेंसी लाने से एक वो सिस्टम में वो इफ़ेक्ट हो जाता है तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर हमें जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उन पर भरोसा है तो ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत नहीं है प्रॉब्लम ट्रांसपेरेंसी की जब आती है कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस हैंडल कर रहा है जो सिस्टम को हैंडल कर रहा है उनमें कुछ हमको विश्वास की कमी है तब ये चीज़ आता है तो उन्हें अपनी विश्वास की लेवल को बढ़ाना पड़ेगा सर ड्यूरिंग योर टेन अयर्स चीजें पटना हाईकोर्ट एंड दिल्ली हाईकोर्ट आपने क्या क्या स्टेप्स लिए थे सो so, आप इम्पारसिलिटी इन्श्योर कर सकें अपॉइंटमेंट प्रोसेस में मेरे को तो उतना कोई ज़्यादा मैं कर नहीं पाया जो भी किया था कोशिश किया कि मेरिट पे जो आदमी हैं उनका रिकॉर्ड देख के करने की कोशिश की और वही किया और मेरेट टेन्यूर में बहुत कम अपॉइंटमेंट्स कर पाए दिल्ली में तो मैं कर ही नहीं पाया था क्योंकि वो उस टाइम दिल्ली में क्योंकि दिल्ली की परिस्थिति ऐसी थी कि अपॉइंटमेंट होने की संभावना ही नहीं थी पटना में जो भी हुआ कोशिश किया करने का और उसमें मुझे काफ़ी हद तक सक्सेस भी मिला सर माय लास्ट क्वेश्चन इज दैट इफ़ एनी वन हैज टू सेलेक्ट वन ऑप्शन वेदर यू बी और जुडिशल सर्विसेज तो सर वॉट विल यू सजेस्ट दोनों में है वोगी एक कॉमन फैक्टर सिर्फ ये है कि एक पब्लिक सर्विस देते हैं लेकिन यू में आप पब्लिक सर्विस देते हो तो आपकी पब्लिक सर्विस देने की जो कैपेसिटी है और जो पावर है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाई समी एल्स है ना मंत्री लोग रहते हैं गवर्नमेंट रहती है गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है लेकिन आप लिटिगेशन में आओगे तो यू आर ए मास्टर ऑफ योर सेल्फ तो आप पब्लिक सर्विस देने में ज़्यादा सक्षम होगे तो मेरे हिसाब से तो मैं यंगर जनरेशन को बोलूँगा कि वो लॉ के फैकल्टी में और लॉ में आप लॉयर बन के करिए जज बन के करिए या एकेडमिक टीचर बन के करिए देखिए मैंने अभी सवेरे भी टीचर के लिए बोला टीचर की भूमिका बहुत ही अहम व्यक्ति है एक बच्चे को निगन फील्ड में प्रूव करने के लिए कई चीज़ें टीचर कर सकता है जो वकालत में आने के बाद आपका सीनियर या जज बनने के बाद आपके सीनियर नहीं कर सकते तो जो टीचर होते हैं वो भी उसी क्वालिटी के होने चाहिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छे वकील बन गए मेरिट पर पास हो गए लेकिन हमें कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हम जज को देख के जज हमसे क्वारी पूछते हैं तो हम उनका जवाब नहीं दे सकते लेकिन एज ए टीचर हम बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं बच्चों के लिए हम रिसर्च के वो चीज़ दे सकते तो टीचर भी होना बहुत ज़रूरी है लोग ये समझते कि नहीं टीचर टीचर बनेंगे तो टीचर तो तो क्या होगा आप आप फाउंडेशन डाल रहे हो उनके लिए अगर बच्चा आगे चल के के तरक्की करता करता है 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 वो गुरु कारण ना तो चारों में पब्लिक सर्विस करते हो लोगों हो, में में हो, हो हो, हो हो, टीचर होके करते हो और दूसरे प्रोफेशन में भी जाके करते हैं आपके तो तो इतना नॉलेज शेयर किया है हमारे जो इंडियन ऑडियंस है ओके कैसे सुन और मेरे कहने में कुछ ऐसी बात कही दी हो जिससे किसी को कोई ठेस होता है तो माफ़ करेंगे मुझे मैंने इंटेंशनली नहीं, नहीं कहा मेरे मन में या दिल में जो आया वो मैंने कहा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच